नमस्कार, खबर फास्ट पर विधायक का रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमा। विधायक का रिपोर्ट कार्ड जिसमें हम बात करते हैं हरियाणा प्रदेश के किसी एक विधायक से और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर क्या सोचते हैं, उनके कार्यकाल में कितना विकास हुआ है और वहीं उनके कार्यकाल से पहले हल्के ने कितनी प्रगति की है। विधायक का रिपोर्ट कार्ड में आज हमारे साथ हैं कोसली से बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव। तो कोसली से बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव 2019 में पहली बार विधायक बने। पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए अपनी ही पार्टी के विधायक विक्रम सिंह का टिकट काटकर उन्हें टिकट दिया था। उन्होंने कांग्रेस के यदुवेंद्र को 38,000 के मार्जिन से हराकर जीत दर्ज की थी। विधायक बनने से पहले वो सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक काम किया करते थे और चुनाव जीतने के बाद जनता की सेवा करना उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही बन गई है। कोसली विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो ये सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर 138 गाँव है और 52 बंगले कोसली बाकी कई हजार, यानी कि कोसली सैनिकों की खदान के नाम से भी मशहूर है। और ज्यादा जानकारी के लिए यह रिपोर्ट देखिए। विधायक का रिपोर्ट कार्ड में आज बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव से करेंगे सीधा सवाल। लक्ष्मण सिंह यादव कोसली विधानसभा से विधायक हैं, जिन्होंने 2019 में 38,000 के मार्जिन से कांग्रेस के यदुवेंद्र को हराकर जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने इस सीट से अपनी ही पार्टी के विधायक विक्रम सिंह का टिकट काटकर लक्ष्मण यादव पर भरोसा जताया था। कोसली रेवाड़ी जिले में स्थित एक विधानसभा क्षेत्र है जो रोहतक लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये अहीर समुदाय द्वारा निर्मित एक क्षेत्र है। ये दिल्ली से 80 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कोसली हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। कोसली क्षेत्र में लगभग 138 गाँव है। ये क्षेत्र भारतीय सेनाओं के लिए ऑफिसर और सैनिक देने के मामले में सबसे आगे माना जाता है। बड़ी संख्या में यहाँ के युवा सेना में जाते हैं। वहीं यहाँ की समस्याओं की बात करें तो टूटी सड़कें, जाम, आवारा पशु, गलियों में पानी, अंडरपास, बाईपास का ना बन पाना, ओवरब्रिज, स्कूल, बस स्टैंड और खेतों में जलभराव की समस्या है, जिनसे विधायक वाकिफ हैं। चुनाव से पहले उन्होंने अपने हलके की जनता से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और लोगों की परेशानियों को दूर करने के साथ घोषणाओं को पूरा करने का वादा किया था। ऐसे में अब जब विधायक लक्ष्मण यादव को 2 साल पूरे होने वाले हैं, तो उन्होंने अब तक कितने काम किए हैं जानेंगे बीजेपी से कोसली के विधायक लक्ष्मण यादव से। तो हमारे साथ कोसली से बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम विधायक का रिपोर्ट कार्ड में। जी, आपसे चर्चा करेंगे, बात को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कोसली की जनता का क्या कहना है, क्या कुछ मांगे हैं आपसे, वो दर्शकों को सुनवाते हैं। पहले तो ये है कि हमारा ये जो आने जाने का जो रोड है ना, ये टूटा पड़ा है। विधायक जी आते हैं, काम भी ठीक प्रकार से करवा रहे हैं, लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम यही है कि रोड की। नाड़ में विधायक कभी आया ना, मैंने कभी देखा है ना सुने है। यहाँ का ये रोड टूटा पड़ा है, कम से कम इसको 4 साल हो गए। या कितने एक्सीडेंट हो गए, स्कूटी पे तो लेडीज गिर जाती है। ऊपर भी मिले हैं सीएम साहब से, उन्होंने कहा भी और कोई नाम से नगर पालिका बना लो, फिर भी भाखले गाँव इससे भी सहमत नहीं हुई और ये नगर पालिका केस अभी तक इस तरह से पेंडिंग पड़ा हुआ है। जब देखते हैं कि रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, रिजल्ट्स आपके सामने हैं, अंडरपास का सारा काम होके रखा है, बाईपास का भी और अंडरपास का भी, लेकिन अंडरपास का हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, लोगों का ध्यान आकर्षित किया सरकार का, लेकिन उस पर अभी भी सुई अटकी हुई है। जिस दिन से और ब्रिज बनना शुरू हुआ था और बन के तैयार होने के बाद शायद ये और ब्रिज 8 महीने नहीं चला होगा। उसके बाद पूरी जनता कह रही है, कोसली के इलाके के लोग कह रहे हैं, हर आदमी कह रहा है कि ओवर ब्रिज से इतना तंग है लोग, एक तो इसको इंडिया पाकिस्तान मार दिया और ये डैमेज भी हो चुका है। बहुत बढ़िया करवाया, ये पुल था ये भी बंद करवा दिया। कोसली विधानसभा की बात करें तो कोसली में विकास तो खर हुआ है, लेकिन इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। कुछ भी नहीं हुआ, क्या घोषणाएं पूरी हुई, कुछ भी नहीं हुआ पूरा। काफ़ी हद तक कुछ अब लास्ट जो कोरोना खत्म हुआ है, काफ़ी अच्छे प्रयास किए हैं जो कि तारीफ़ के काबिल हैं।
समस्या है सर जी को झज्जर रेवाड़ी की भी आखिरी सीमा उड़े से और झज्जर की भी सीमा उड़े से, जबकि ये रेवाड़ी को हल्को रेवाड़ी की सीमा लागे से 1.5 किलोमीटर में और वो है नुक ऐसे झज्जर तड़े से यहाँ और हमारी कच्ची नू छोड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो है कि जो नाला खोद के रख दिया है इसका निकास नहीं है बिल्कुल भी, और इसका पूरा बाजार का पानी आ करके इधर आ जाता है और यहाँ से पानी सारा रोड पर जाता है और इसके कारण रोड पे सारे गड्ढे हो गए हैं। समस्या यही है यहाँ पे पानी भर जाता है, जब भी यहाँ पे बारिश का मौसम आता है तो यहाँ पे हर साल इसी तरह पानी भर जाता है, जिसके लिए अब बच्चों को अब जैसे पिछली बार तो पेपर नहीं थे पर इस बार पेपर है तो आने जाने में तकलीफ होती है। अब जिनके पास बाइक वाइक है वो तो किसी तरह आ जाते हैं, लेकिन जो पैदल आते हैं वो बच्चे यहाँ पे इस तरफ नहीं आ पाते। यह कॉलेज 2018 से शुरुआत हुई थी इसकी, विधायक जी के प्रयासों से ही, तब से यह सरकारी विद्यालय के भवन में ही चल रहा है। हमें इसमें 4 कमरे मिले हुए हैं। आम दिनों में तो यह कॉलेज सुचारू रूप से चलता है, हमें ऐसी कोई समस्या या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। स्कूल भी काफी हमारे लिए मतलब सहयोग करता है। तो विधायक के रिपोर्ट कार्ड में कोसली की समस्याओं पर आज हम बात करने वाले हैं, विधायक से सीधा सवाल हम करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। लक्ष्मण जी, यहाँ पर सबसे पहला सवाल मेरा यही रहने वाला है, क्योंकि 2 साल आपको पूरे होने वाले हैं और ऐसे में यहाँ पर आप ही से मैं जानना चाहूँगी कि आपने अपने हलके में 2 साल के अंदर क्या काम करवाए हैं, इसके बाद हम जनता की समस्याओं पर बात करेंगे। देखिए प्रीति जी, साल के समय जो व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही थी उन व्यवस्थाओं को अंजाम देने का काम किया है और मेरे विधायक बने 675 दिन के आसपास हुए हैं, जिसमें से आपको पता है 450 दिन कोविड 2 बार आने से वो हो गया और इस बार बारिश भी इतनी भयंकर आई है, या तो आपने देखा 70 में आई थी या 96 में या 2001 में, इस बार बारिश रिकॉर्ड तोड़ हुई है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वजह से जितनी स्पीड से काम होना चाहिए था उस स्पीड से मैं समझता हूँ कि जैसे मेरे प्रयास थे उतना नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी इसे 2 साल पूरे होने के अवसर पर हमने पूरी विधानसभा में कम से कम 150 करोड़ रुपए के काम इस 2 साल के समय में कराए हैं, क्योंकि मैं सब सड़कों का जिक्र करूं, सब गलियों का जिक्र करूं, सब स्कूलों के रूम का जिक्र करूं, तो ये बहुत लंबा टोड़ा वो हो जाएगा। तो टोटल मिला के मैं कल ही अपना देख रहा था तो 150 करोड़ रुपए से भी ऊपर हमने कोसली विधानसभा के विकास के कार्य कराए हैं। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ, मैं जब आया था हॉस्पिटलों की दुर्दशा थी, सिविल हॉस्पिटलों की थी, वो CHC थे चाहे वो PHC थे चाहे हमारा सब डिवीजन पे हॉस्पिटल है वो थे, तो वहाँ डॉक्टरों की भी कमी आती, लेकिन आने के बाद निरंतर हमने डॉक्टरों की पूरी कराई। जैसे कोसली में 13 डॉक्टर चाहिए थे तो वहाँ 13, पहले मैं आया जब 1 डॉक्टर था, इसी तरह से ढैणा में, इसी तरह से नाहड़ में, इसी तरह से सिया में, इसी तरह से जाटूसाना में, इसी तरह से गुरावड़ा में, पालावास में। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले तो डॉक्टर की व्यवस्था करानी जरूरी थी और उन सब हॉस्पिटलों में मेडिसिन की बेड की सुविधा, बल्कि कोसली में तो आपने देखा वेंटिलेटर, बायोपैप इस समय, और साथ ही साथ ऑक्सीजन प्लांट भी हमने तीनों ही CHCO में और अपने सब डिवीजन हॉस्पिटल में और रेवाड़ी के में भी 4th बड़ा ऑक्सीजन प्लांट लगवाने का काम किया है। और एम्बुलेंस की व्यवस्थाएं भी नहीं थी, अब हमारे हर CHC पे एम्बुलेंस हमने लगवाई है, डॉक्टरों की पूर्ति कराई है, वेंटिलेटर की पूर्ति कराई है, बायोपैप की पूर्ति कराई है, एम्बुलेंस की पूर्ति कराई है, और आप अब देखेंगे बेडों को भी हमने बढ़ाया और अब कोसली में हमारे 50 बेड का हॉस्पिटल बिल्कुल अच्छे से तैयार है। और कोविड में तो मैं डॉक्टरों का धन्यवाद करना चाहूंगा, पैरामेडिकल स्टाफ को, उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में जो बड़ी भयंकर थी, भयानक थी, उसमें जो काम किया है उनको भी मैं साधुवाद आपके माध्यम से देना चाहूंगा। और समाज आप देखेंगे हमारे समय में जो बिजली 8 घंटे ट्यूबवेलों को मिलती थी, जो सीजन का टाइम होता है, तो हमने उसको 10 घंटे कराने का काम किया। इसी तरह से ढाणियों में लाइट नहीं थी,
इसलिए उनके पैर ट्रांसफार्मर लगा लगा के ढानियों में पानी ना ढानियों में लाइट पहुंचाने का काम किया। उसी के साथ आप देखेंगे कि हमारे ट्यूबवेलों के पेंडिंग कनेक्शन थे 750 कनेक्शन मेरी विधानसभा में, आज उन पे ज्यादातर काम हो गया। और मैं समझता हूँ कि एक आध महीने में जब सीजन अभी आएगा तो उससे पहले ये ट्यूबवेल के कनेक्शन भी 750 के 700 कंप्लीट हो जाएंगे, वो ज्यादातर हो चुके हैं, और कम रह रहे हैं वो हो जाएंगे। इसी तरह से पानी की बड़ी किल्लत थी, पानी का भी आपने देखा जब मैं आया था तो जेएलएन में 310 क्यूसिक पानी आ रहा था, 310 क्यूसिक पानी भी 110 क्यूसिक पानी पटौदी जा रहा था, लेकिन हमने उसको भी जाने दिया और 750 क्यूसिक पानी बढ़ाने का काम नहरों में किया। लेकिन लक्ष्मण जी, अभी यहाँ पर कई गांव ऐसे हैं जहां पर पानी की किल्लत बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। अगर पानी दक्षिणी हरियाणा में वाटर लेवल भी नीचे है और पानी के उसके साथ साथ खारी पानी भी है जी। हम तो बल्कि पीने का पानी जो है वो नहरों से ही ले रहे हैं ज्यादातर, क्यों गाँव में खारी पानी है, इसलिए आप देखेंगे पानी में हमने कम से कम 15 जल घर नए बनवाए जो इसी दौरान, जो आप पानी की बात कर रहे हैं, चाहे वो पुस्टिंग स्टेशन थे, चाहे वो नए जल घर थे, भाकली में भी 11 करोड़ की सीवर लाइन और उसका हमने शुरुआत कराई जल घर की, और इसी तरह से छुआ गांव में भी, इसी तरह से झाल गांव में भी, इसी तरह से करावरा में भी, इसी तरह से नैनसुखपुरा में भी, और इसी तरह से आप देखेंगे अपने गुरावड़ा में भी, और इसी तरह से पालावास में भी। आपने 7 गांव में 22 करोड़ की लागत से जलघर बनाने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि 22 करोड़ नहीं, 35 करोड़ के आसपास इसका बैठेगा, उनके काम चल रहे हैं जी। आप समझ सकते हो डेढ़ साल में कुछ कंप्लीट हो जाएंगे ऐसा नहीं है जी। लेकिन वो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं जो अभी कराए हैं जी। इसी तरह से आपने रोडों की बात उठाई, रोडों की कनेक्टिविटी के लिए भी अब बारिश हुई है, उसके बाद कुछ रोड टूटे हैं, तो हमने 21 रोड जो रिपेयर के थे मार्केटिंग बोर्ड के, उनका सेंक्शन हो गया, उनपे काम शुरू है, 5 कंप्लीट हो गए, बाकी पे टेंडर छूट गए, उनके काम चालू। ठीक है, आपने ये अपने 2 साल के कामकाज का ब्यौरा यहाँ पर दिया है। आपने कहा कि कोरोना की वजह से, तेज बारिश की वजह से यहाँ पर जो पूरा समय मिल पाना चाहिए था विकास कार्यों के लिए कोसली के लिए, वो नहीं मिल पाया, लेकिन आपने कोशिश अपनी तरफ से पूरी की है। ठीक है, अभी 3 साल ठीक है लक्ष्मण जी, अभी आपके पास 3 साल बाकी है, 3 साल आपके हल्के के लिए आपको अभी देने हैं, तो उसके लिए क्या रोड मैप आपका रहने वाला है? अभी तो मैंने इतने काम गिनवाने थे जी, आपने मेरे को बीच में ही रोक दिया, क्योंकि हर विभाग के काम है जी। आपने तो छोटी सी झलक देखी है उसके सर, मैं एक एक करके, क्योंकि यहाँ पर आपने सुनी भी होंगी लक्ष्मण जी, लोगों की जो हम समस्याएं हमने देखी हैं, उन्होंने आपने भी सुनी होंगी, हम एक एक करके उन पर बात करेंगे, आपको पूरा समय दिया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है अगर हम एक ही चीज़ पर बात करते हैं, तो हम उस पर आगे एक एक करके बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर 3 साल का आपका जो रोड मैप रहने वाला है कोसली की जनता के लिए, पहले वो हम यहाँ पर जानना चाहेंगे। देखिए रोड मैप सबसे पहले 2-3 प्रॉब्लम जो जनता ने गिनवाई है, नगर पालिका की जो वर्षों से हमारी मांग चली आ रही है जी, और वो उसका नाम पे विवाद है दोनों गांव में, सुलह हो जाए तो नगर पालिका घोषणा करने में हमारी सरकार को कोई वो नहीं है, और तुरंत नगर पालिका घोषित कराए। और जो पानी की समस्या पुल के नीचे की आपने आपके उसी से आवाज से मैंने सुनी है, उसका भी ये है कि भाई पंचायत जब बनी है तो पंचायत ही अपना उसमें वो नाली का पानी डिस्पोजल का रख सकती है, लेकिन हमारे यहाँ विवाद है, पंचायत PWD कहता है जी हमारा काम नहीं है जी। और पंचायत कहती है जी ये हमारा काम नहीं है, और आप देखेंगे अगर नगर पालिका बन जाएगी तो उसमें बजट भी आएगा, तो नाम गांव दोनों सुलह कर ले उसी दिन नगर पालिका बन जाएगी, इसमें आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरी कई दौर की बातचीत हो चुकी है। दूसरा आपने पुल की बात विवाद में आई है, तो पुल का भी कांग्रेस के राज में ये पुल बना था और बनते ही टूट गया, तो इंक्वायरी हमने कराई, उनके ऊपर पेनल्टी पता नहीं सरकार ने लगाई कि नहीं लगाई, लेकिन उस रिपेयरिंग के लिए आज हमारा भी आप चेकिंग देखेंगे, अब टेस्टिंग मशीन लगी हुई है पुल के साथ जी। क्योंकि कौन कौन सा पोर्शन हमने बदलना है
उसका 65 लाख रुपए हमने रिलीज कराया टेस्टिंग के लिए। अब वो बताएंगे उसका एस्टिमेट लगाएं तो पुल को भी हम जल्दी ही करेंगे। अगला जो आपने बाईपास की भी चर्चा करी है, बाईपास में अभी किसान जब तक जमीन नहीं देगा, पैसा सैंक्शन हो गया मेरे इसी फरवरी बजट में, पैसा सैंक्शन हो गया रोड का और किसान बनेगा तो जमीन पे ही रोड, जब किसान जमीन दे देंगे उसी दिन हम काम शुरू कर देंगे, उसके लिए भी पूरी तैयारी है क्योंकि बजट एलोकेट हो गया है। और दूसरा रहा पानी भराव की, जल भराव की हर गांव में समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये सही बात है, गांव वालों की ये समस्या सही है क्योंकि पहले झोड़ होते थे तो बारिशों के दिन ही उसमें पानी जाता था, अब पानी की मात्रा इतनी हो गई कि 12 मास पानी चलता है, वो झोड़ ऑलरेडी भरे होते हैं तो बारिश का पानी समा नहीं पाता, ये दिक्कत जरूर है। लेकिन इसके लिए भी हमारी सरकार ने पौंड अथॉरिटी एक नई बनाई जो हर साल 5-10-15 झोड़ों को उनका नवीनीकरण करेगी, उनमें सुधार करेगी, क्योंकि एक दिन में ये समस्या भी नहीं आई और एक दिन में इसका समस्या का सुधार भी मैं समझता हूँ कि नहीं हो पाएगा, इसलिए ये कुछ समस्याएं हैं। मैं भी फील्ड में ही रहता हूँ इसलिए मुझे एक एक बात का बड़ी बारीकी से पता है, अगर लोगों की ये समस्याएं हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ये अच्छी बात है कि आप समस्याओं से वाकिफ़ हैं, आप जनता के बीच जाते भी हैं और आपको पता है कि ये समस्याएं हैं, इन पर काम करना है। एक आवारा पशु की भी यहाँ पर मुख्य समस्या है और जो मुझे जानकारी है कि 4 कुल मिलाकर गौशालाएं हैं सर, इसके बावजूद भी आवारा पशु सड़कों पर घूम रहे हैं, हादसों का कारण बन रहे हैं। आप देखिए, ये सही है कि आवारा पशु है जी, और अब आवारा पशु के लिए जैसे हमारे गौशालाएं भी बनाई है हमारी सरकार ने, उसके ऊपर हम अभ्यारण भी बनाना चाहते हैं क्योंकि ज्यादातर आप देखेंगे कि सांड ज्यादा है, गाय तो फिर भी कम है लेकिन जो बछड़े जर्सी हैं उनका उनका ज्यादा वो है और वो नुकसान भी किसान की खेती को करते हैं, उसके लिए भी आपने देखा तो हमने सीड तैयार करा कि जिससे बच्चिया ही पैदा हो, बछड़े हो ही ना, तो उसका सरकार प्रयासरत है और ये समस्या मेरे अकेले हल्के की नहीं है, तो ये समझता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश चुनाव में गया वहां भी यही समस्या थी, बिहार में गया वहां भी यही समस्या थी, बंगाल में गया वहां भी यही थी और मेरे यहाँ भी मैं रोज देख रहा हूँ। ये सही बात है आपकी कि ये समस्या है क्योंकि किसान के खेत में जब ये बढ़ जाती है तो बहुत बड़ा नुकसान करती है, तो उसकी व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जा रहा है और जमीन अगर हमें पंचायत कोई भी देगी तो हम अभियान खोलेंगे, इन सब का करेंगे। क्या और गौशालाएं बनाई जाएंगी या यादव जी ये समझा जाए कि जो 4 हैं वो काफी नहीं है या और गौशालाएं बनाए जाने की जरूरत है इस समस्या से निजात पाने के लिए? बनाए जाने की अभी इसमें क्योंकि सब लोग छोड़ेंगे, कोई रखेगा नहीं, तो उनको उनको शाम तो चाहिए ही और जरूरत है दो चार और गौशालाएं खुले, लेकिन मैं ये समझता हूँ खाली धान के ऊपर गौशालाएं चले तो वो बहुत लंबी नहीं चल पाती जो एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल है, क्योंकि हर बार हम दान लेके गौशाला चलाएंगे तो वो मुमकिन भी नहीं है, जब तक हम उन गौशालाओं से प्रोडक्टिव ना कोई काम करें और उन गौशालाओं से कोई इनकम ना हो तो अब धीरे धीरे से वो बायोगैस प्लांट है वो हमारी सरकार लगा रही है उनमें ताकि उनका ज्यादा से ज्यादा उनको कारगर ये हो जाए और ज्यादा ज्यादा गौशालाएं अपने खर्चे से ही चले। लेकिन हमारे तो गौ आयोग भी हमने अलग बनाया था हमारी सरकार आने के बाद, इसलिए अब तो थोड़ी बहुत देख रेख भी होती है, उनका चारे का भी प्रबंध सरकार करती है, लेकिन अभी भी जितना होना चाहिए उतना अभी भी नहीं है, इसके लिए भी सरकार से चर्चा हुई है अगर भाई इतने पैसे में भी पूर्ति नहीं हो पाती तो फिर भी दानदाताओं से पैसा बहुत लेना पड़ता है, इसलिए अभी जरूरत है। मैं ये समझता हूँ 4 है तो 4 की और भी जरूरत है तब भी पूर्ति होने वाली नहीं है जी। रोजगार जो कि सबसे अहम मुद्दा है उसकी बात करते हैं यादव जी। यहाँ पर अगर हम देखें तो कोसली में 138 गांव हैं और यहाँ पर किसानी एकमात्र व्यवसाय कह सकते हैं किसानों के लिए, इसके अलावा युवाओं के पास और कोई विकल्प यहाँ पर नहीं रहता है, अगर उन्हें किसी कंपनी में जॉब करनी है तो बावल जाना पड़ेगा या रेवाड़ी जाना पड़ेगा, तो ऐसे में क्या आपने यहाँ पर उद्योग स्थापित करने के बारे में सोचा ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके उनके अपने ही क्षेत्र में? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है जी, इसके लिए निरंतर हमारे प्रयास जारी हैं
मैंने दो गांवों में जमीन देखी है जो पंचायत के पास है, 100-100 एकड़ से भी ज्यादा। तो मैंने विधानसभा में भी कहा था और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा था कि भाई बेरोजगारी की समस्या है तो या तो SSIDC का सेक्टर वहां बने मेरे क्षेत्र में जहाँ जमीन है, या MSME का सेक्टर बने या फूड पार्क का बने। मैंने तीनों ऑप्शन दिए और उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री ने इंटरेस्ट भी दिखाया और मैं समझता हूँ निकट भविष्य में वो काम भी हम सिरे चढ़ाने वाले हैं। ये आपने ठीक उठाया और इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इसलिए इस पर भी हमारी एक्सरसाइज जारी है। ये तो दोबारा मिलेंगे तब बताएंगे कि इस पर कितना काम हुआ है, लेकिन इसके लिए कॉरेस्पॉन्डेंस हमारा जारी है। कौन सी दो जगह है जहाँ पे आपने जमीन देखी है ताकि वहाँ के लोगों को ये मिल पाए कि हाँ उनके यहाँ पर रोजगार के अवसर मिलेंगे? जी, ओलाव एक गांव है, उसके पास पंचायत की लैंड है, एक धवाड़ा गांव है जी, तो अरावली श्रृंखला के साथ साथ है, उधर ही एम्स भी बन रहा है हमारे मनेठी माजरा की तरफ, तो वो नजदीक सारा एक ये समझ लिए कि सबके डिस्टेंस कम हो जाएंगे। और वहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे से कहा भाई आपके यहाँ रॉ मटेरियल कौन कौन सा है, जो फूड प्रोडक्ट की बात करते हो जी। तो हमने कहा हमारे यहाँ सरसों है, सरसों बहुतायत में होती है और एक्सपेलर लग सकते हैं, तेल लगाने की मशीनें लग सकती हैं। दूसरा बाजरा बहुतायत में है, तो आजकल तो बाजरा का प्रोडक्ट भी बन सकता है, या कपास भी बहुत आयत में होती है। मुख्य फसल तो यही है हमारी, जो या कैश क्रॉप मानी जाती है वो यही तीन है। तीनों का फूड प्रोडक्ट हम सोच रहे हैं कि एक फूड पार्क टाइप बने जिसमें कम से कम 100 एकड़ जमीन हम कर रहे हैं उसका प्रयास, और ये चीज सेट करेंगे तो मैं आपसे बात करूंगा दोबारा जी। यहाँ पर कोसली को सैनिकों की खदान के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ के युवा सबसे ज्यादा भारतीय सेना में अपना योगदान दे रहे हैं, तो क्या कभी आपने ये नहीं सोचा कि यहाँ पर एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर हो जो युवाओं को सेना में जाने की ट्रेनिंग कराए? देखिए, ये उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट आपने सवाल मेरे से पूछ लिया, क्योंकि ये सही बात है कि ये क्षेत्र सैनिकों की खान कहा जाता है, सैनिक बाहुल क्षेत्र है और मैं जिस क्षेत्र में बैठा हूँ ये और भी ज्यादा है। आदरणीय मोदी जी 15 सितंबर 2013 को जब पहली बार रेवाड़ी में आए, उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों को एक रैली निकालने का काम किया, उसमें 5 लाख लोग इस तरह के हमारे बेल्ट की नौकरी वाले थे, तो उन्होंने इस बात को समझा और उन्होंने वादा करके गया मैं एक तो सशस्त्र सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाऊंगा, उस पर भी मोदी जी ने काम किया, और दूसरा उन्होंने समान रैंक समान पेंशन की घोषणा करके गए, वो भी 1.5 साल में मोदी जी ने जैसे ही बने वो भी करी। तो वो जब इस बात को पहचानते हैं तो मैंने भी इस बात को पहचानते हुए अभी, क्योंकि जो भर्तियां होती हैं वो रेजिमेंटों के हिसाब से होती हैं, जैसे जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, महावर रेजिमेंट है, तो रेजिमेंटों की भर्ती होती है और वो भर्ती करके जाते हैं। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारी कुमाई रेजिमेंट जो थी, कुमाऊनी जो एक क्षेत्र के नाम से थी, केसी पंत उस समय गृह मंत्री थे, तो उन्होंने एक छोटे से क्षेत्र की एक रेजिमेंट बनाई, लेकिन हम पहले हैदराबाद रेजिमेंट में आते थे जिसके 33-33% तीन हिस्से बनाए गए थे, जिसमें 33% इस अहिरवाल के क्षेत्र यादव उसमें भर्ती होंगे, लेकिन दुर्भाग्य से उसमें भी आज हम 25% पे खड़े हैं और केवल कुमायनों 75% पे खड़े हैं। तो भर्ती तो जब होंगे, जब हमारे अहिरवाल नाम की कोई रेजिमेंट बनेगी तब ट्रेनिंग की बात शुरू होती है। वैसे तो हमारे ITBP का कैंप भी मेरे हल्के में ही है जो यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन उनसे नहीं, हमारी भर्तियां जो पहले सेना में होती थी अब वो धीरे धीरे लुप्त अवस्था में है। और मैंने कहा भी इस बार विधानसभा में, मेरा आपने देखा भी होगा बच्चे हुए जी, बिल्कुल मेरा सवाल भी अब यही रहने वाला था कि आपने विधानसभा के अंदर भी इस मसले को उठाया था, आपने अहिरवाल रेजिमेंट की मांग की थी, तो क्या भरोसा आपको दिया गया उस दौरान? देखिए, जब मैंने हाजरी के खिस्से हमारे सैनिकों के वहां सुनाए तो सारा सदन भावुक था, वाकई में हक है, चाहे वो जितने हवाए थे, चाहे वो विक्टोरिया क्रॉस और मिलिट्री क्रॉस से लेके जो आजादी से पहले और फिर आजादी के बाद,
परमवीर चक्कर था, शौर्य चक्कर था, कीर्ति चक्कर था, तो वो और अन्य वो अवार्ड थे, वो सब अवार्ड हमारी इस क्षेत्र के लोगों में प्राप्त किए, और ऐसे नहीं मिलते अवार्ड, अपना खून पसीना बहाना पड़ता है, अपनी हड्डियां गलानी पड़ती हैं। ऐसा क्षेत्र मेरा है कि जिनके नाम से आपने देखा ससुर में जो चाइना के साथ 61 का युद्ध हुआ, उसमें 118 लोग मेरे क्षेत्र के यादव थे और उनमें से 114 लोग अपने प्राणों की आहुतियां दी, लेकिन आपने देखा चाइना की सेना के 1300 लोगों को 114 लोगों ने मारने का काम किया, और वो चाइना की जो बाकी सेना थी उन बहादुर सैनिकों को उल्टी बंदूक रख के टोपी पहन के सलूट मार के गए, यानी बहादुरों को जो सलामी दी जाती है दुनिया में वो भी ये मान के गए कि बहादुर कौम है। तो ऐसे अनेक किस्से हैं आई इन नेताजी सुभाष। बिल्कुल यादव जी, यहाँ पर क्षमा के साथ आपको टोकना चाहूंगी, समय की कमी में चाहूंगी कि जल्दी से आप जवाब दीजिए, क्योंकि मुझे एक दो सवाल और आपसे लेने हैं कि क्या आश्वासन आपको दिया गया, क्या अहिरवाल रेजिमेंट बनेगी? देखिए सदन में जब मैंने ये प्रस्ताव रखा और जब तथ्यों से वाकिफ कराया पूरे सदन को, तो सारा सदन भावुक था, सबने ताली बजा के समर्थन इस बात का किया, क्योंकि हमने तो केंद्र सरकार को भेजना, ये केंद्र सरकार के हाथ में होता है रेजिमेंट बने, और इतिहास इस बात का गवाह है, इस क्षेत्र के अहिरवाल क्षेत्र की जिसमें 36 बिरादरी आती है, उसमें खाली अहिर ही नहीं, अहिरवाल क्षेत्र में जिसमें 36 बिरादरी आती है, तो मैं तो कहता हूँ क्षेत्र के नाम से रेजिमेंट बना दे, और पॉजिटिव रिस्पॉन्स मेरे विधानसभा में मुझे मिला, तो उम्मीद यहाँ पर की जा सकती है कि पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, तो आगे भविष्य में शायद यहाँ पर अहिरवाल रेजिमेंट बन पाए। जी यहाँ पर किसान आंदोलन हम देख रहे हैं, 9 महीने पूरे हो चुके हैं किसान आंदोलन को चलते हुए, किसान अपनी बातों पर अड़िग है, सरकार की तरफ से बातचीत की अभी कोई पेशकश नहीं की गई है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए आप देखेंगे पहले मेरे आने से पहले केवल 3 मंडियां थी, एक बावल हल्के में थी, एक रेवाड़ी हल्के में थी, एक कोसली हल्के में। मेरे आने के बाद 14 मंडियां पूरे रेवाड़ी जिले में हुई, जिसमें 9 मंडियां मेरे हल्के में मैंने बनवाई, ताकि किसान को दूर ना जाना पड़े अपना अन्न बेचने के लिए, और किसानों का दाना दाना बाजरे का भी खरीदा, सरसों का भी खरीदा, गेहूं का भी खरीदा, कपास भी खरीदी, यानी एक एक दाना दाना MSP पे हमने खरीदा, और मेरे इलाके में किसानों को कोई परेशानी नहीं है। ये जो क्षेत्र वाइज एक मुद्दा है, जो किसान जो भावनात्मक नाम है, किसान एक संवेदनशील नाम है, तो कुछ राजनीतिक लोग इस नाम को भुनवाना चाहते हैं किसान के साथ लग के, बाकी मुझे नहीं लगता कि मेरे क्षेत्र का किसान किसी एजिटेशन में गया हो, किसी प्रदर्शन में गया हो, तो किसान तो मेरे यहाँ का भी है, हमने MSP बढ़ाया, आप देखें 100% हमने MSP बढ़ाया इस मोदी जी के 6 साल के कार्यकाल में, और 6 साल के कार्यकाल में और पिछले तुलना करेंगे तो किसानों को चाहे सहयोग निधि हो, चाहे MSP पे खरीदना हो, चाहे MSP को बढ़ाना हो, चाहे फसल बीमा योजना हो, अनेक चीजें जो किसानों को सुविधा है। अब जैसे ड्रिप इरिगेशन में हमने 85% सब्सिडी दी, हमारा सोलर के लिए, मतलब आपका ये कहना है कि BJP किसान हितैषी है और ये आंदोलन कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, इसमें एक और बात आप जोड़ लें जी, राजस्थान वाले हमारे यहाँ के प्रदर्शन करते हैं किसान, वहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ नहीं करते, और राजस्थान अपना बाजरा नहीं खरीदता, हरियाणा बाजरा खरीदता है, हमारी मंडी में उनका बाजरा बिका है। इसी तरह से आप पंजाब को देखेंगे, वहाँ नहीं करेंगे, वहाँ भी कांग्रेस का राज है, इसलिए वहाँ प्रदर्शन नहीं करेंगे, हरियाणा में प्रदर्शन करेंगे, यहाँ BJP का राज है, गन्ने का रेट हमारा उनसे ज्यादा है पंजाब से। बिल्कुल हमने ये देखा भी है कि इस बेल्ट पर इस आंदोलन का ज्यादा असर, आंदोलन कौन चला रहा है? ठीक है, ज्यादा BJP का राज है वहाँ, किसान आंदोलन है, ज्यादा कांग्रेस का राज है वहाँ, स्वर्ग है वहाँ, किसान बल्ले बल्ले है, ये कैसे हो सकता है?
जी बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए और बेबाकी से सभी सवालों का जवाब देने के लिए। तो यहाँ कोसली से विधायक हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया, और किसान आंदोलन को लेकर उनकी तरफ से कहा गया कि राजनीति से ये प्रेरित है और रेवाड़ी वाली बेल्ट जो है, गुरुग्राम वाली बेल्ट, यहाँ पर इसका कुछ खासा असर देखने को नहीं मिलता है। तो आज विधायक का रिपोर्ट कार्ड में मेरे साथ बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए सवाल और नए विधायक के साथ। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।